28 तारीख के दिन हमने जो कुश्ती का प्रोग्राम रखा है सिकंदर शेख की और दिल्ली पहलवान मोनू और बहुत बड़ा पहलवान है वो भी, और सिकंदर शेख भी जो अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान है, कल्लू स्टेडियम में कुश्ती रखे ले हमने मंगल के दिन 28 तारीख को। और उनके अलावा ये दो पहलवानों के अलावा कोई? उसके अलावा और भी 10-15 कुश्ती रहेंगी, 15-20 कुश्ती रहेंगी और इनामी भी जोड़ रहेंगी, बड़ी से बड़ी और इनामी भी जोड़, बड़े बड़े पहलवान भी आने वाले हैं बाहर से, वो भी कुश्ती रहेंगी। कौन सी यूनियन के थ्रू होगा प्रोग्राम? ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता तालीम संघ की यूनियन है, पूरे अपने मालेगांव के हिंदू मुसलमान की यूनियन बने ले, वो यूनियन की तरफ से कुश्ती रखा है हमने। हम शहर के वास्ते ये जो कुश्ती रखे, जो अपने जो मालेगांव शहर के अंदर जो पहलवानी है तो बहुत कम हो चुकी है। आज अपने जो अखाड़े जो है तो अखाड़ों के अंदर कोई पहलवान नहीं है, कोई बच्चे नहीं बन रहे, सब गलत काम में लग गए, जो कुत्ता गोली दारू बीड़ी काड़ी पूड़ी जो खाने लग गए हैं। तो इसलिए इनके वजह से हमने कुश्ती का प्रोग्राम रखा है कि देख के जो बच्चे अपने कुछ ना कुछ इबरत हासिल करे, कि जब पहलवान जो बड़े बड़े आए यहाँ पर तो उनको देखेंगे कि भाई जो कितने बड़े बड़े पहलवान हैं, कुछ है तो कुछ ना कुछ अखाड़े तो भरेंगे अपने लोगों के, क्योंकि अखाड़ों के अंदर और मालेगांव शहर के अंदर कोई बच्चे वर्जिश करने वाले है नहीं पहलवानी, कुछ बच्चे है तो वो जो छोटे हैं और कुछ बड़े है तो इतने आगे नहीं जा पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं है उनको। मालेगांव शहर में कुश्ती का अखाड़े का माहौल खत्म हो रहा है, तो आप सरपरस्तों से क्या गुजारिश करेंगे कि अखाड़े से जुटे, क्यों जुटे? अखाड़ों के अंदर जो इसलिए जुटा रहे उनको कि जो अपने जो गांव के जो बड़े बड़े लोग है तो कोई मतलब कोई बच्चे को सपोर्ट रहे ही नहीं अपने अखाड़े के, अपने बच्चों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे अखाड़े के अंदर कुछ इतने बच्चे 30-40 लड़के है, उसके अंदर से कोई जो बच्चे बिगर माँ बाप के है। तुम्हारा परिवार बहुत दिन से कुश्ती के पहलवानी के जोन में, मतलब लाइन में देखते हैं हम लोग आप लोगों को, क्या आप लोगों का परिवार का योगदान है कुश्ती में? हमारा जो परिवार है तो हमारे दादा भी पहलवान थे, दादा के अब्बा भी पहलवान थे और हमारे अब्बा भी पहलवान थे और हमारे चचा भाई लोग, हमारा खानदानी पहलवानी चलते आ रहा। हर आदमी के घर नाम के आगे पहलवानी लगता है तुम्हारे? हाँ, हम खानदानी पहलवान है और हमको पहलवानी से बहुत लगाव है और बहुत शौक है, तो हम ये सोचते हैं कि हर कोई बच्चा पहलवानी करे, हर कोई बच्चा वर्जिश करे, सेहत तंदुरुस्त तो रहे हर एक बच्चा। बहुत ये शहर के कारपोरेटरों से, सोशल वर्करों से, गांव के बड़े सेठ लोगों से आप लोग मिलना चाहिए या बोलना चाहिए कि यार अखाड़े के लिए कोशिश करो, आप क्या गुजारिश करेंगे मीडिया के हवाले से? हम जो बड़े बड़े लोग हैं अपने मालेगांव शहर के, तो हम कई लोगों के पास में गए भी, बाकी कोई लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जो पहलवानी के नाम से इंटरेस्ट नहीं लेते, और जो हमने जो कुश्ती करा है ये सिकंदर शेख 28 फरवरी और सिकंदर शेख की कुश्ती है, जो सिकंदर शेख है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान है और उसकी जोड़ लगाए ले हमने दिल्ली का मोनू करके, वो भी बहुत बड़ा पहलवान है, उसकी कुश्ती रहेंगी 28 फरवरी को मंगल के दिन 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, और उसके अंदर 15 या 20 जोड़ रहेंगी और बाहर से बड़े बड़े पहलवान कुश्ती के लिए आएंगे, वो भी इनामी कुश्ती लड़ेंगे। पहलवान साहब, आप महाराष्ट्र भर में इधर उधर लड़ने जाते हैं, पहले भी जाते थे अभी भी जाते होंगे, तो बाहर के शहर में और मालेगांव के अंदर कुश्ती में की जागरूकता में कितना फर्क है, क्या महसूस करते हैं इस ताल्लुक से आप, ऐसा कि बाहर शहरों में कैसा रहता है यहाँ कैसा है? बाहर शहरों के अंदर जो है तो वहाँ के जो आमदार है मेंबर है और जो बड़े बड़े लोग है तो वहाँ के गरीब से गरीब बच्चों को भी बहुत सपोर्ट करते, और यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है अपने बच्चों को, अपने बच्चे जो है पढ़े लिखे भी है, पढ़ रहे भी लिख रहे भी, और इंशाल्लाह अल्लाह का इतना एहसान करम है कि जो अपने मालेगांव के जो बच्चे हैं तो बहुत दूर दूर नाम कमा के आ रहे, बहुत दूर दूर जा रहे अपने मालेगांव के बच्चे। हमारे अखाड़े का खुद एक लड़का है अन्नू करके, वो भी बहुत दूर तक जाके आया, और यहाँ पर एक जो शोएब पंजाबी है वो भी बहुत दूर जाके आया, मतलब बहुत दूर दूर जाके अपने गाँव के बच्चे आ रहे, बाकी कोई सपोर्ट नहीं है बच्चों को। मेरी गुजारिश है कि मालेगांव के जो बड़े बड़े लोग हैं नामचीन लोग हैं तो बच्चों को गरीब के बच्चों को सपोर्ट करें, और ज़रा देखें कि क्या है क्या नहीं, जो बच्चे जो अपने मुसलमानों के बच्चे और भी जो बच्चे हैं तो वो बहुत गलत काम में जा रहे हैं, कुत्ता गोली दारू बीड़ी पुड़ी ये बहुत ख़राब बात है, अच्छी बात नहीं है, बहुत दूर तक जा रहे बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं, इन पर ज़रा सा ध्यान दें। शहर के तमाम इलाकों के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ छोटे बड़े कि जो मालेगांव शहर के अंदर जो हमने 28 तारीख को जो कुश्ती रखा है सिकंदर शेख की, तो छोटे बड़े सब शहर के तमाम लोगों से गुजारिश है कि वहाँ पर कुश्ती में शिरकत करें और हाजिर हुए और देखे कि सिकंदर शेख जो अपने कौम का बच्चा है जो पूरे दुनिया के अंदर नाम कर रहा है
और उसको मालेगांव शहर की मालेगांव शहर से गुजारिश है कि उसको हौसला अफजाई करें,